पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चा जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे एक रट्टा मार लो, याद कर लो, भूलना नहीं चाहिए भाई, एकदम भूल गए तो बर्बाद हो, याद रखना इस चीज को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, भूल गए तो खत्म कहानी, तुम्हारी उजरी कहानी खत्म। चलो सबसे पहला जो लिखा रहा हूँ उसे याद रखना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इसको डिवाइड करोगे तो 3.1415 मिलता है। आगे भी वैल्यू कंटिन्यू होती है बट हम यहीं तक काउंट करते हैं। दूसरा वैल्यू जो लिखा रहा हूँ ध्यान रखना वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे, ध्यान दो अच्छे से। अगर बच्चों पाए एक रेडियन है तो 180 डिग्री में ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एंगल, एंगल की जो डिग्री होती है वो दो तरीके से मेजर करती है हम लोग, पहला होता है रेडियन में और दूसरा होता है डिग्री में। फिलहाल ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये यूनिट लिखो यहाँ पे, कि एंगल की यूनिट हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक रेडियन में एक डिग्री में। तो रेडियन को सीधे दिखाते हैं और डिग्री को ऐसा जीरो से दिखाते हैं। तो रेडियन का जो रिलेशन है बिटवीन डिग्री ये होता है। तो इसी रिलेशन से एक छोटा सा रिलेशन बन के ये आता है बच्चों कि अभी तो ये पाई रेडियन था, अगर मैंने 1 रेडियन मान लिया कि 1 रेडियन कितना होगा, तो अब आप मुझे बताओ ना इधर जब तुम पाए से डिवाइड करोगे तभी ना ये 1 बनेगा। तो और तो इधर भी इधर तुमको पाए से मान लो अभी पाए इज इक्वल टू 180 है बच्चों, अब मुझे 1 करना है तो डिवाइड बाय पाए कर दो हर जगह, तो ये पाए पाए कट के 1 और 180 अपॉन पाए, समझा ना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाए, समझा अच्छे से क्या कह रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये मिटा देता हूँ फिलहाल, जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखो, ये सब लिख लिया करो साइड में फटाक, मिटाना पड़ता है मेरे को, तो ये याद रहेगा आगे बढ़ो। तुम्हारे बुक में ये सब दिया हुआ है बट मैं लिखवा के दे रहा हूँ अच्छे से जैसा लिखा रहा हूँ, याद रखने का ठीक है कभी भी। चलो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसी में थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि ये 180 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अच्छा एक काम करो यहाँ मत लिखो वरना तुमको कंफ्यूजन होगा, आगे सॉल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पे तो चौथा फॉर्मूला क्या होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई था, तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू 3.1415। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, ये सब लॉग से डिवाइड होता है, लॉग टेबल से, अभी नहीं बताऊंगा, लॉग टेबल की एक अलग वीडियो आएगी पहले ही बता चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 पॉइंट, ये याद करना पड़ेगा आपको, अभी जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इसमें इसका वैल्यू यूज होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट याद हो गया ना, ये क्या है, कभी भी 1 रेडियन बोला ना तो कितना डिग्री, 1 रेडियन का मतलब कितना डिग्री, इतना डिग्री 57.297, ये याद करो इसको, ठीक है। तुम इसको भी याद कर सकते हो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई भी याद कर सकते हो, फिर तुमको कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाया करेगा, कोई इशू की बात नहीं है, नो टेंशन। 1 रेडियन सी मतलब रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, अगर तुमको 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का। अगर मैंने मान लो बोल दिया 2 रेडियन है तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 2 × 180 अपॉन पाई, ये कर दो बस हो जाएगा, समझा, ध्यान देना। तुम 180 अपॉन पाई के जगह में ये भी लिख सकते थे, इसलिए मैंने आगे कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है ना बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना, हटा दो लिखा रहने दो, चलो लिखे रहने देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी तो ये रेडियन से डिग्री के लिए हो गया, रेडियन से डिग्री के लिए हो गया, अब मान लो अगर डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो क्या, तो इसका उल्टा कर दो, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 ये हो गया रेडियन, समझा, लिख के ऐसा दिखाने का रेडियन में। चलो तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको भी अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो, ये याद हो गया ना, इसको भी आगे सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.1415 अपॉन 180, तो इसको भी डिवाइड करके आगे निकाल लो, तो इसका क्या आएगा 1745 × 10⁻²⁺ रेडियन। अब रेडियन को ऐसे लिखने का रेड, समझा अच्छे से, ध्यान देना, तो ये तरीके थोड़ा याद कर लो, याद रहेगा। तो अगर ये तुम्हारे मैथमेटिक्स में भी होगा, मैथ्स 1 में आप पढ़ोगे इसको, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180, याद रखना इस चीज को। चलो अब एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, अब यहाँ पे टाइम और डिग्री का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिग्री।